आप जो इस वक्त मंडली देख रहे हैं या अयाज के घर का नज़ारा है, मैं लगातार आपको अयाज के घर से अपडेट दे रहा हूं कि अयाज के खाते में अभी तक 6,50,00,000 तक ही धनराशि पहुंचा है। उसी कड़ी में आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे पैसे पड़े हुए हैं। ये जो पैसा यहां पड़ा हुआ है, इसमें ये जो डोनेशन बैंक में इसमें जमा करके लाया गया है। ये जमा कहाँ किया गया है, तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला घुमा गया है, तब ये जाके कलेक्ट हुआ है। और ये भाई साहब जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अतुल राज। कहाँ से आए हैं आप? चितनावा से। चितनावा? आपने वहीं पर जमा किया सारा पैसा? नहीं, बहुत दूर तक गए हैं चितनावा, खासकर जितना हम लोग का मोहल्ला है, चाहे तो जितना गाँव है ना, बहुत आगे तक गए हैं। सभी को जागरूक किए हैं कि जो भी हेल्प करना चाहेगा वो हेल्प कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी की, बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ इशू था, वो नहीं किया। अच्छा, अब आप ये बताइए, जब आप ये 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया जो लेते हैं लोगों से, क्या क्या समस्याएं आती है? समस्या जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि जो भी जितना जिससे सक्षम हो रहा था वो सहयोग कर रहे थे, और जो लोग मतलब बहुत लोग ऐसा गांव में लोग रहते हैं जिनको अयाज बाबू के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो उनको हम लोग जागरूकता के लिए समझाए हैं, बताए हैं। बहुत लोग भी, जैसे आज हम ये कलेक्शन कर रहे थे, हम लोग हमारा जो टीम है वो कलेक्शन कर रहे थे, तो बहुत लोग ये भी कहे कि ये बाबू क्या है, किस चीज़ का चंदा है, तो हम बताएं कि हमारा एक प्रिय अयाज बाबू है, ठीक ना, उनको कुछ गंभीर बीमारी है जिसमें बहुत पैसा खर्च है, लगभग 16 करोड़ समझ में आ रहा है हमको, ठीक ना। तो ऐसा बताया गया उनको कि अभी उनके माता पिता के पास ऐसा सक्षम है नहीं, जो कि नामुमकिन राशि है, एक बच्चा को बचाने के लिए इतना संभव नहीं है, ठीक ना। तो जिनको होता था वो 2 रुपया देते थे, जिनको होता था 50 देते थे, जिनको होता था 500 देते थे, जो जैसा सक्षम था वैसा पैसा देते थे। यानी कि जिनके जितने देने की ताकत है वो दे रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि 16 करोड़ रुपया की मुहिम है, और जिस कदर से पैसा लोगों को दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, अगर तो वो थोड़ा सा मदद कर देते तो यह तस्वीर मैं आपको दिखाता नहीं। लेकिन विडम्बना देखिए कि 16 करोड़ की धनराशि को जुटाने में अब ये जितने मंडली हैं सब लोग गांव-गांव जा जाकर अयाज के बारे में बता रहे हैं। मैं बता दूं, अयाज को जो बीमारी हुआ है वह है जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी टाइप 1, या जो करोड़ों बच्चों में एक बच्चों को होती है। इस बीमारी की वजह से शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और बाद में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन का नाम है जोलोगेस्मा इंजेक्शन, जो कि अमेरिका, जापान, जर्मनी बनाता है, लेकिन अमेरिका के पास ज़्यादा मात्रा में ये अवेलेबल है। और सवाल यह है कि अमेरिका के पास इंजेक्शन, उसकी कीमत 16 करोड़ रुपया है, और 16 करोड़ रुपया के लिए ये लोग सब काम किए जा रहे हैं। आप ये बताइए, ये लगातार आपको हम देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, मतलब कि फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, धूप हो बरसात हो आप जा रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं आप अयाज के लिए? कि अयाज मेरी जान बन गई अब, और जब तक वो ठीक नहीं होगा, जब तक हम लोग और मार्केट में घूमते रहेंगे, और जब तक डोनेशन, जब तक हम लोग का सक्षम ना हो, जब तक ये 16 करोड़ पूरा नहीं होगा, और जब तक हम लोग घूमते रहेंगे। अपना पूरा टीम है हम लोग का, रुपसपुर का ही है, और ये लोग शाहपुर से आए हैं, ये लोग आज चितनावा से, और राजीव नगर में भी जा रहे हैं लोग, और कंकड़बाग, सब जितना भी है सभी जगह जा रहे हैं। पटना का जो मोस्ट जगह है, आप सब जगह जा जा कर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और इस तरह से धन कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, ये बहुत बड़ी पहल है आपके द्वारा। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, ये लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, ये भाई साहब फील्ड संभाले हुए हैं, यानी लोगों को घर जाकर जागरूक करना, बताना। आप कहाँ से आए हुए हैं? चितनावा से भैया। अच्छा, क्या 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 बात है जो आप भी इस मुहिम में शामिल हो गए? बस मुहिम है कि हमको किसी तरह अयाज को बचाना है। अच्छा, और जब तक ये 16 करोड़ का रकम हम लोग के पास पूरा ना हो, हम लोग लगे रहेंगे। और आप भाई साहब? हम भी लगे रहेंगे इसमें। लगे रहेंगे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे नीतीश कुमार जी को? जी बोलिए। दिल मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये अपने कुछ देर पहले सवाल किया था, ठीक ना, कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ठीक है, ये मुमकिन तो नहीं है आम जनता के लिए, ये अभी मुमकिन संभव है, लेकिन परिश्रम बहुत ज़्यादा है, और हमारे अयाज के पास समय भी कम है,
हाँ एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये लोग जो पॉलिटिकल लोग जो हैं अगर वो सपोर्ट करें, वो आगे आए, तो हो सकता है ये जल्द से जल्द मुमकिन हो जाए, क्योंकि उनके सपोर्ट से पूरा हमारे जो बिहार में पूरा क्षेत्र है उसमें अवेयरनेस का ये रिपोर्ट जाएगा, मैसेज जाएगा। जी ये अपने आप में एक मैसेज है कि मुझे भी पता है कि जो जिस तरह से कलेक्शन हो रहा है 16 करोड़ पहुंचने में समय लग जाएगा, लेकिन जागरूकता फैलाने के लिए ये खबर बनाई जा रही है कि आप भी देखें कि किस तरह से बिहार की राजधानी पटना में हो रहा है। आप बताइए जिस तरह से मुहिम आप लोग चला रहे हैं, आयांश को 16 करोड़ का टीका लग जाएगा? मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। हाँ। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कोई भी काम के लिए आपके ऊपर और आप में सबसे बड़ा होता है दृढ़ संकल्प होना। हम लोगों ने ठान लिया है कि अयंस बाबू को बचाना है, उसके लिए हमारे तरफ से जितना हर संभव मदद हो सके वो हम लोग बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। और हम एक और बात कहना चाहते हैं कि ठीक है हम लोगों ने तो आज फील्ड में गया देखा कुछ, जितना लोगों को जितना देने का सक्षम है दे दिया, तो बिल्कुल सही है, जितना जिसका शक्ति है उतना उन लोगों ने अपने हिसाब से भक्ति किया तो हाँ ठीक है। अगर हमारे जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के जो भी लोग हों, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि वो क्या करना चाहते हैं क्या करना नहीं चाहते हैं, क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, मैं सिर्फ ये उन लोगों से आग्रह करूँगा कि ये बिहार का बच्चा है और उन्हें बचाइए। जी आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अविनाश हुआ। आपका नाम? संतोष कुमार। अपना नाम बताइए। निशांत कुमार। जी मेरा नाम विकास कुमार हुआ। सरवन कुमार। संगम सिंह। आदित्य सावन। अतुल राजकुमार। जी हाँ ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटों की गिनती शुरू हो गई है और मैं ये बताऊंगा नहीं कितना कलेक्ट किया गया, क्योंकि अपने आप में ये चौंका देने वाली तस्वीर है कि इस तरह से लोग लगे हुए हैं, यहाँ के युवाएं लगे हुए हैं और अयांश मदद करने के लिए। प्लीज़ इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं अयांश का डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी डिटेल दिया हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है वायरल करें। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।